कैसे आप लोग? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज कुर्बानी का दिन है, बकरा ईद है, तो गोशी गोश हर तरफ है और गोशी बहुत सारी डिशेस बन रही हैं। तो एक मैं बहुत मज़ेदार सी डिश आज आपको बनाना सिखाऊंगी, उसको हम कहते हैं कुटी मिर्च का गोश। तो उसके लिए मैं इंग्रेडिएंट आपको बता देती हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये सबसे पहले तो मैंने गोश लिया है, ये देखिए गोश मैंने बहुत ही खूबसूरत सा ये गोश है, ये देखिए कितना अच्छा गोश है। ये मैंने लिया है 3 kg बीफ। चिली फ्लेक्स मैं लूँगी, जितने भी लूँगी आपको दिखाऊँगी जब डालूँगी उसमें तब। और ये सॉल्ट है, ऑयल है, देखिए कितना ऑयल है। ये है एक ये प्याज है, और ये दो इतने लहसुन है, और ये है अदरक। ये सारी चीज़ें मैं पीस लूँगी, और ये इतना है ज़ीरा क्यूमिन सीड्स, और ये है गरम मसाला, ये देख लीजिए। इसको ये देखिए, इसको मैंने पीस कर रखा हुआ है, इन चीज़ों को ये मैं अभी आपको पिसा हुआ दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने पीसा हुआ है, इसमें मैंने गरम मसाला लहसुन अदरक पीस लिया है, और ये बल्कि क्रश कर लिया है, बारीक नहीं किया। और ये प्याज मैं इस तरह काट दूँगी, इसमें को मैं पीसूंगी नहीं, बस इस तरह। प्याज आप अगर ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने ये एक डाली है, आप इसकी जगह 3 प्याज इतनी बड़ी डाल सकते हैं। और बस ये इसके इंग्रेडिएंट हैं। और अब मैं बताती हूँ आपको कितना इजी वे में ये बनता है। ये देखिए मैंने ये उठाया मीट, और ये मैंने डाला, ये देखिए ये कुकर में डाला मैंने गोश्त। बहुत ही ईजी वे में बनेगा ये। और ये देखिए इसमें मैंने ये भी डाल दिया प्याज, और कूटा लहसुन अदरक और गरम मसाला, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, आप हर चीज़ में गोश्त की अगर आप कोई भी डिश बना रहे हैं उसमें लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा डाला कीजिए, तो वो उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार सा हो जाता है। और ये देखिए मैंने ऑलमोस्ट हाफ बोलिए मैंने ऑयल डाला है, आधा प्याला तेल। अच्छा जी, अब मैं सॉल्ट डालूंगी, ये देखिए 1, 2, 3। और अगर कम सॉल्ट होगा तो मैं और डाल दूंगी इसमें चक्कर, लेकिन अभी मैं इतना ही डालूंगी। अब ये देखिए कुटी मिर्च है, ये चिली फ्लेक्स। अच्छा, ये मैंने बारीक वाली ली है, एक मोटे भी होते हैं, मोटी वाली कुटी मिर्च भी होती है, लेकिन ये थोड़ी बारीक है। ये देखिए मैं कितना डालूँगी, 1, 2, 3, 4 और ये 4.5। थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी होता है ये, तो ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डालूंगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ, और इसको लिड क्लोज करके चढ़ा दूंगी। देखिए 1/2 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी हम इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं डालते क्योंकि कुर्बानी का गोश्त इतना अच्छा गोश्त होता है, फटाफट गल जाता है, इसलिए मैंने इसमें 1/2 लीटर पानी ही डाला है। और अब मैं कर दूंगी इसको चम्मच चलाकर लिड क्लोज। ये देखिए मैंने चम्मच इसमें अच्छी तरह चलाकर ये चीज़ें मिक्स कर दूंगी जो मैंने इसमें डाली हैं। इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है ये, और कुर्बानी के गोश्त का ये ज़रूर बनता है, ऑलमोस्ट हर घर में ही बनता है। इसको कहते हैं कुटी मिर्च का भुना गोश, इसका नाम है। अब मैं ये देखिए फुल फ्लेम मैंने कर दी, और अब लिड क्लोज कर दूंगी इसकी। ये मैंने लिड क्लोज कर दी, इसको मैंने देख लिया पहले, ये बिल्कुल अच्छी तरह से ओपन है। ये पिन जो है ये अंदर होनी चाहिए जब हम इसको ढक्कन बंद करें, और इसमें हम आर पार देख लें, नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। और अब इसको हमने इजीली बंद कर दिया। अब इस पर मैं रखूँगी वेट, ये देखिए मैंने इसमें वेट रख दिया, और अब मैं इसका इंतज़ार करूँगी कि इसमें स्टीम बन जाए और ये इसका घूमना शुरू हो जाए। जब ये स्टीम बन जाएगी और ये इसे घूमना शुरू हो जाएगा, तो फिर उसके 15 to 20 मिनट्स इसको मैं कुक करूँगी, उसके बाद इसकी ये वेट हटाऊँगी। तो ये 15 मिनट्स हो गए इसको स्टीम बने हुए, अब मैंने इसको ओपन कर दिया है, और अब मैं इसको देखूँगी जल गया है तो ठीक है, और अगर नहीं जल गया है तो फिर दोबारा से मैं इसको लिड क्लोज कर दूँगी। यदि इसकी स्टीम निकल जाए फिर मैं इसको ओपन करती हूँ।
खुशबू आ रही है इसमें। अच्छा जी, ये देखिए ज़रा, अभी इसमें थोड़ा पानी है, लेकिन मैं देखूंगी कि गोश्त अगर गल गया है तो फिर मैं इसको कुकर बंद नहीं करूंगी, बल्कि ऐसे ही इसको कर दूंगी। आम पतीली का जो ढक्कन होता है वो इस पर मैं ढक दूंगी, कुकर का नहीं, अभी गला नहीं है और उसमें थोड़ा पानी भी है, तो इसको मैं दोबारा से बंद कर देती हूँ। ये देखिए दोबारा मैंने इसको बंद कर दिया है और मैं फ्लेम ऑन कर दूंगी। ये देखिए फुल फ्लेम मैंने कर दी है, अभी इसको दोबारा इसमें स्टीम बनेगी और ये फिर मैं इसको और गलाऊंगी जब तक इसका जो इसके अंदर मॉइस्चर है वो ड्राई नहीं हो जाता। इनकी व्यूज, मैं इसको दोबारा से फ्लेम ऑफ कर दी है और ये मैंने इसका वेट हटा दिया है और ये देखिए सारी स्टीम निकल गई है। अब मैं इसको देखिए, अभी इसमें स्टीम है थोड़ी सी, अगर मैंने अभी इसको खोल दिया तो सारा जो इसके अंदर जो भी चीज़ें गोश्त दाल जो भी चीज़ होती है वो ऊपर आ जाती है, इसलिए हम वेट करेंगे। ये देखिए अब हो गया, अब मैं इसको खोलूँगी और अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है, टेंडर हो चुका है ये और बिल्कुल भुन भी चुका है इसका। ये देखिए ये सारा कितना अच्छा सा गल गया, ये देखिए ये गल गया और भुन कर बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखिए सारा पानी ख़त्म हो गया और ये इसका जो इसने जो इसका फैट होता है वो इसने उसमें से बाहर आ गया है और जो ऑयल था वो भी सेपरेट हो गया है। और ये मैं अब करती हूँ डिश आउट और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बस ये कितना खूबसूरत और कितनी अच्छी खुशबू इसमें आ रही है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। ये जब आप बनाएंगे तभी आप महसूस कर पाएंगे कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें और कितना ज़्यादा मज़ेदार होता है ये, जब आप खाएंगे तभी बता पाएंगे। तो प्लीज़ बनाइएगा ज़रूर इसको। देखिए बस कितना खूबसूरत कुटी मिर्च का भुना गोश्त तैयार हो गया है। बनाइए, खिलाइए, बहुत सारी दाद पाइए, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का, अपने पेरेंट्स का ख़ास ख्याल रखिए। गरीब मुस्तहकीन को ज़रूर ये इस तरह की चीज़ें खिलाइए बनाकर, उनको कभी नहीं बुलाइए। ये बात प्लीज़ अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए। अल्लाह हाफ़िज़।